आप सभी को कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका। आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन क्लास के साथ। जितने भी एस्पिरेंट हैं इग्नू के सारे जो है वो इस क्लास के साथ जुड़ जाइए, उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो जल्दी से आइएगा क्लास के साथ जुड़ जाइए। सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी और ये आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट की हम आज क्लास शुरू कर रहे हैं। तो फटाफट से सभी सेशन में आ जाइए और बताइएगा कि ऑडियो वीडियो पीपीटी सब कुछ ओके है, और एक बार जो है वो सेशन में आकर के ओके लिख दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि क्लास आपकी सही चल रही है। फटाफट गगनदीप हेलो, एक बार सेशन शेयर कर दो फटाफट ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन लग पाए कि भी क्लास शुरू हो गया इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो सारे जो है वो क्लास में आ पाएंगे। एक बार जल्दी से सेशन शुरू करिए, सेशन को शेयर करना शुरू कर दें, ठीक है, ताकि सभी लोग क्लास में आ पाए। ओके, और फिर हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट, जिसका आपका सब्जेक्ट कोड क्या है। आपका जो ये सब्जेक्ट है इंग्लिश थ्रू लिटरेचर वाला, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज की क्लास का मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आप लोगों को जो ब्लॉक नंबर 1 है वो करवा दूँ, ठीक है जी। ब्लॉक नंबर 1 पर हम आज क्लास करेंगे और सभी लोग इसमें जुड़ेंगे, ठीक है, और सभी को ये बेनिफिशियल क्लास रहेगी, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले हम लोग अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे और सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। और इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई भी हिंदी वाला स्टूडेंट है तो मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए कि जल्दी से मुझे स्टडी मटेरियल की PDF आप दे दीजिए हिंदी का, सो दैट मैं आप लोगों की क्लास भी शुरू कर पाऊँ, ठीक है। जो अगर हिंदी वाला बच्चा है तो वो भी अपना स्टडी मटेरियल मुझे प्रोवाइड कर देगा सो दैट मैं आपकी क्लास शुरू कर सकूँ। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर पर, और इसमें हमने बेसिक जो है आपका इस चैप्टर का वो हम बात कर लेते हैं। तो हमारे इस ब्लॉक के अंदर 4 यूनिट आते हैं। सबसे पहला है लिटरल वर्सेस मेटाफोरिकल मीनिंग, एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग, मल्टीपल मीनिंग्स एंड स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। ये आपका सिलेबस है ओवरऑल जो हमने आज पढ़ना है ब्लॉक नंबर 1 का। तो इससे पहले कि आप लोगों ने इस बुक को पढ़ा है, अपना कभी पढ़ा हो इसके बारे में जानकारी है थोड़ी बहुत आपको जो जुड़ा हुआ है, बताइएगा एक बार कि आप लोगों को सब्जेक्ट की जानकारी है, थोड़ा बहुत आइडिया है कि भई हम ये वाला सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, वाई वी शुड लर्न दिस सब्जेक्ट, लिटरेचर का सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, बताइए कोई है जिसने पहले बुक को उठा के देखा हो, चैप्टर देखे हो कि इसमें क्या क्या आता है। हाँ जी, ग्रुप में शेयर कर दो फटाफट ताकि सबको पता लग जाए कि भाई सेशन शुरू हो चुका है। BE 137 आपका सब्जेक्ट कोड है इंग्लिश थ्रू द लिटरेचर। ये क्लास के लिए है, जो भी UGC के बच्चे हैं उन सभी को इंग्लिश की क्लास की ज़रूरत होती है और हिंदी की भी, तो ये सभी के लिए क्लास है कि जिनको एग्ज़ाम देने हैं अभी तो उन सभी के लिए होगा। सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें। आरेश्या कर्नम ओके, ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर देंगे फटाफट से। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसमें हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज की, क्या होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में पढ़ना है। लैंग्वेज जो होता है वो क्या करता है, हमें बात को बताने का तरीका होता है, ठीक है। लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है कि हाउ टू कन्वे अ मैसेज, कोई इंडिविजुअल किस तरह से मैसेज कन्वे करेगा वो आपका क्या होता है, लैंग्वेज होता है। और इंग्लिश हमारा लैंग्वेज का ही पार्ट है, राइट। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज का ही तो पार्ट है। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पावरफुल आपको टूल्स दिखते हैं, सिंबल्स दिखते हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ें, है ना, और फिर आप उसको
हमारा जो भी यूजर होगा वो उसको क्या करेगा, रीड आउट करेगा, पढ़ करके देखेगा कि भाई लैंग्वेज इस तरह से बोली जाती है। ठीक है, लैंग्वेज जो है, और आप जब बात करते हैं तो हम किस तरह से वर्डिंग को यूज़ कर रहे हैं, यानी प्रोनाउंस कर रहे हैं, हाउ टू वी प्रोनाउंस द वर्ड दैट इज़ योर लैंग्वेज। ठीक है, कि जैसे हमने शब्द बोला ट्री, तो ट्री के अंदर टी आर और डबल ई, ये क्या है भाई, इसके क्या हैं, वर्ड हैं, है ना, ये सारे क्या हैं आपके, वर्ड हैं। जब हम इन और इनको हम क्या बोल देते हैं, टी आर ई, जो हमारे सेंटेंस में या वर्ड में हमने यूज़ किया, दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम एसोसिएशन बना करके यूजर के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो वो लैंग्वेज बन जाता है। ठीक है, यानी कोई भी आप तो शब्द बोलते हैं तो वो शब्द ऐसे ही नहीं बोला जाता, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, तो वो क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज को हम कम्युनिकेशन का मीडियम बोलते हैं, कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ तो उसके लिए आप लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, कमर्शियली या फिर आप एडवर्टीजमेंट किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि लिटरेचर जो होता है वो अलग है, लिटरेचर आपका क्या होता है, साहित्य होता है, हिंदी में हम इसे साहित्य बोलते हैं। लिटरेचर जो आपका है वो क्या करता है, बेसिक आपकी लैंग्वेज को देखता है। ठीक है, लिटरेचर का लैंग्वेज एक पार्ट होती है, लैंग्वेज आपका होल है और उसका पार्ट क्या होता है, लिटरेचर होता है, और उसी हिसाब से हम लोग इसको। लैंग्वेज की अगर बात करें, इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फंक्शन, बेसिकली टू मोड, दैट इज स्पोकन और रिटन। लैंग्वेज आप दो तरह से डिफाइन करते हैं, या तो उसको रिटन मीडियम में डिफाइन करेंगे, या फिर उसको आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं, स्पोकन मोड में डिफाइन करते हैं, है ना। जब आप बोलते ही हैं तो बोलते समय हम सेंटेंसेस अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं, लेकिन लिखते समय हमारे लिखने का तरीका अलग हो जाता है और बोलने का तरीका अलग हो जाता है। वी स्पीक एंड लिसन टू स्पीच, सो वोकल एंड ऑडिटरी सिस्टम आर यूज। और राइटिंग में वी राइट एंड रीड व्हाट इज रिटन एंड हेंस इट इन्वॉल्व विजुअल कैपेसिटी। रिटन फॉर्म में आप जब भी मैसेज को लिखोगे तो वो एक क्या होगा, विजुअल कैपेसिटी के साथ होगा, यानी आप उसमें चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, आरेश्या खनम, चलो मैं बताता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। थोड़ा सा मैं आपका प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ कि भाई होता क्या है इसमें, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पर ही आऊँगा, डोंट वरी। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सब्जेक्ट तो उसको थोड़ा सा आइडिया तो हो कि भाई वो पढ़ क्या रहा है। ठीक है, हमारे बोलने के तरीके से ही ये सारा का सारा काम जो है वो होता है ना। जैसे ये कहाँ गया, यहाँ पर एक बात की गई है, ड्रामा आर कंस्ट्रक्टेड एंड पैटर्न ऑफ ए ओरल स्पीच दैट इज द डायलॉग। जब भी आप एक ड्रामा या फिर प्ले को देखते हैं तो वहाँ पर डायलॉग्स का एक्सचेंज होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन की बातों का जवाब देता है। और यहाँ पर हम डायग्रामेटिकली इसको देख रहे हैं कि जैसे किसी ने एड्रेसर कोई वन है, उसने कोई मैसेज दिया और वो किसी एड्रेसर वन के पास यानी ऑडियंस के पास वो मैसेज पहुंचा। ठीक है, यानी एक व्यक्ति आपको ऑडियंस में चाहिए होता है और एक वो होगा जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, तभी एक लैंग्वेज सही से कम्युनिकेट की जा सकती है। ठीक है, तभी एक लैंग्वेज कम्युनिकेट करी जा सकती है। जब हम बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर की, बोलने के तरीके की, तो हम उसको स्पीच वाइज डिफाइन करते हैं, यानी हम जब कम्युनिकेट करेंगे तो दो तरह से करते हैं, या तो हम डायरेक्ट स्पीच में कम्युनिकेट करते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच में कम्युनिकेट करते हैं। कभी भी लैंग्वेज के अंदर हम जब बात करते हैं, एक जो स्पीकर है जो बोलता है तो वो किस तरह से बात करेगा, या तो डायरेक्ट स्पीच में बात करेगा या फिर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वो बात करेगा। जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, कि जैसे किसी ने कहा सी सैड आई विल कम हेयर टुमारो,
जब भी आप एक सेंटेंस को कोमास के अंदर देखते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर देखते हैं, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट स्पीच। वो किसका स्ट्रक्चर होता है? डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर होता है। और उसी बात को विदाउट कोमास कहना, वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर है, जो आपने अपनी प्लस टू लेवल में पढ़ा होगा। जैसे मैंने कहा सी सेड आई विल कम हेयर टुमारो, तो इस सेंटेंस को लिखने का तरीका इनडायरेक्ट वे में कैसे कहा जाएगा? सी सेड दैट शी वुड गो देयर द फॉलोइंग डे या द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे में वो वहाँ पर जाएगी। जब उसने खुद इस बात को बोला तो डायरेक्ट स्पीच में बोलेगी, और जब हम उसकी बात को कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा होता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में बताएगा। ठीक है, बेसिक समझ आया कि डिफरेंस क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के अंदर? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है लिटरल वर्सेस मेटाफोरिकल मीनिंग। इंग्लिश के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर एक सेंस होना जरूरी होता है सेंटेंस की, यानी आप बिना सेंटेंस को बिना एक सेंस के कोई भी सेंटेंस ना ही तो लिख सकते और ना ही उसका कोई मीनिंगफुल जो बात है वो आप निकाल सकते हैं, जब तक कि उसका मीनिंग नहीं है। जैसे अ डॉग इज मैंस बेस्ट फ्रेंड, द वर्ड डॉग इज यूज एज लिटरल सेंस टू रेफर अ पर्टिकुलर एनिमल। अब यहाँ पर अगर डॉग ही लिखा जाए, डॉग ना लिखा जाए, तो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रहेगा, अनमीनिंगफुल हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप जब किसी बात को बोलते हैं तो उसमें जो सेंटेंस आप यूज़ करेंगे, जो लिटरल यूज़ करते हैं, दैट इज़ द मीनिंगफुल सेंटेंस। आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने का काम कौन करता है? लिटरल्स करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? लिटरल्स करते हैं, जो हम एक्स्ट्रा जो वर्ड इसमें यूज़ करेंगे, दैट इज़ योर लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग समझ आया? जहाँ पर आप एक सेंटेंस को सेंसफुल बनाने के लिए शब्दों का उसमें प्रयोग कर रहे हैं, वर्डिंग्स का यूज़ कर रहे होते हैं, वो आपका लिटरल क्या होता है? यूज़ ऑफ लैंग्वेज होता है, लिटरल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, और अगर हम इस बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं या कंपेयर करके बोलते हैं, कंपैरेटिवली बोलते हैं, तो वो फिर आपका मेटाफर में चला जाता है। ये आपका एक फिगर ऑफ स्पीच होता है मेटाफर, जो हम आगे पढ़ेंगे मेटाफर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर ही सीखने हैं कि सेंटेंस कैसे बनेगा, कैसे आपने उसमें फिलअप करनी है, यही आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। फिलअप, सेंटेंस बनाना, आपको लेटर लिखने आना, ये सब आपको आना चाहिए है, ये बेसिक है। यहाँ पर बड़े बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बेसिक। ठीक है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलते, तो हमें हर एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत होती है। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, राइट एल बिसाइड द सेंटेंस इन विच वर्ड इन इटैलिक यूज इन द लिटरल सेंस, राइट ई वेयर इट इज़ यूज इन एक्सटेंडेड सेंस। ओके, लिटरल सेंस में अगर सेंटेंस यूज होता है तो हमें उसके आगे लिखना है एल, और अगर वो थोड़ा सा क्या कहते हैं एक्सप्रेसिव होकर के सेंटेंस में बात बोली गई होगी तो वो आपका एक्सटेंडेड मीनिंग होगा, यानी एक्सटेंडेड सेंस ऑफ राइटिंग होगा, यानी बढ़ा चढ़ा कर कोई बात को बोलेगा। ठीक है, He was angry with me because I had broken his pen. तो एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये आपका कैसा है, कैसी लैंग्वेज का होगा? लिटरल डिवाइस का क्वेश्चन होगा। Hugh's wave rose in angry sea. तो ये भी आपका किसका है? लिटरेरी डिवाइस का है। लेकिन जो आपका थर्ड सेंटेंस है, they fired at the house and the bullet buried themselves in the wall. इस बात में थोड़ा सा हमने बात को बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो ये कैसा हुआ? एक्सटेंडेड सेंस का सेंटेंस हुआ। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ आ भी रहा है तुम्हें? आ रही है समझ? Why should you do not respond in the class? क्या इंग्लिश की क्लास बंद कर दी जाए? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग।
थोड़ा सा मैंने एक्सटेंशन के बारे में बताया है ना। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, आप किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर हाइपरबोले की तरह सेंटेंस को लिखते हैं, एक सिंपल वे में सेंटेंस लिखने के बजाय उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, दैट इज द एक्सटेंशन। और अब हम उसी को पढ़ रहे हैं, उसी पर बात करते हैं। पहला होता है एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग, तो इसमें हम बात करेंगे फ्रॉम अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट टू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वॉज गेटिंग ओके। यहाँ पर एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से एब्स्ट्रैक्ट डाटा हम कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी एक सिंपल से सेंटेंस में हम कुछ और ऐड कैसे करते हैं, उसके पीछे एक बात आपको बोली गई है। द मीनिंग ऑफ ए वर्ड मे बी ट्रांसफर्ड और एक्सटेंडेड फ्रॉम अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच वी कैन फील एंड सी टू एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा या आइडिया। हम किसी भी बात को देख करके ऑब्जर्व कर करके हम सेंटेंस बनाते हैं। आसपास कोई इवेंट होगा और उसके बाद हम उसको उसके ऊपर जो चीज़ आपने देखी हुई होती है उस पर आप जितना मर्जी चाहे अपनी बात जो है वो रख सकते हैं, उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में उसको ला करके आप सेंटेंस को फॉर्म अप कर सकते हैं, है ना। ये आपका एक तरीका होता है। जैसे हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वॉज गेटिंग रस्टी, ठीक है। रस्टी का क्या मतलब है, एकदम आयरोनिकल हो जाना, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, अगर वो इतना भी बोलता कि हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वॉज वेरी गुड या वेरी इम्प्रेसिव, तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो जाता। लेकिन इसने सेंटेंस को थोड़ा घुमाया और उसमें क्या ऐड किया, वॉज गेटिंग रस्टी, यानी और भी ज़्यादा निखार के साथ उसकी नॉलेज ऑफ हिस्ट्री बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों की। कोई सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्टेड नाउन्स को यूज़ करते हैं, या आपने नाउन के चैप्टर में ग्रामर में पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर आपको फिर सेंटेंस भी दिए गए, इनको आपको करना है, ठीक है। इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, ये चेक करना है कि इसके अंदर लिटरल डिवाइस कौन सा है और आपका एक्सटेंडेड डिवाइस कौन सा है। ठीक है, आगे आपको सिखाया जा रहा है कि लिविंग टू नॉन लिविंग हम ट्रांसफर करते हैं जब सेंटेंस को, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे लेग ऑफ एनिमल या लेग ऑफ टेबल, एनिमल की भी लेग होती है वैसे टेबल की होती है, तो वहाँ पर लिविंग थिंग का और नॉन लिविंग थिंग का लिखने का तरीका अलग अलग है। जब आप लिविंग थिंग में सेंटेंस को डिफाइन करते हैं और जब नॉन लिविंग थिंग का डिफाइन करते हैं तो दोनों में फ़र्क होएगा, ठीक है। तो जैसे हमने ये लिखा, He is a crooked person. Crooked जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, स्टिक के लिए, पेड़ों के लिए। आप जो ट्री यूज़ करते हैं, वुड, जितनी भी लकड़ी है उस लिए स्टिक का यूज़ करते हैं। यहाँ पर उसने पर्सन के लिए करा, तो यहाँ पर वो क्या बताना चाह रहा है कि हम नॉन लिविंग थिंग्स की चीज़ों को अपनी लिविंग थिंग्स के सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं। ये एक तरीका है आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, हाउ टू कन्वे द मैसेज दैट इज योर नॉन लिविंग टू लिविंग थिंग, ठीक है। ये देखो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, ही इज अ बडिंग पोएट, डायरी फ्लेयर्ड अप, ठीक है ना। मतलब बात तो हो रही है एक लिविंग थिंग की, बट हम बात किसकी कर रहे हैं, और ऑटोमेटिकली नॉन लिविंग थिंग का एग्जाम्पल लेकर के लिविंग थिंग की क्वालिटी बता रहे हैं। एडजेक्टिव के रूप में हम किसको यूज कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये चीज हम बता रहे हैं यहाँ पर। सिमिलरली हम एनिमल को ह्यूमन की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक्सटेंशन देखने को मिलेगी, यानी आप एक्सटेंशन में पढ़ क्या रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं एक्सटेंशन, कैसे हम बातों को बढ़ा चढ़ा कर कर लिखते हैं, या लिखने का हमारा तरीका, सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका कैसे बदलता रहता है, वो चीज यहाँ पर डिस्कस हो रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप इसको करके देखेंगे, ठीक है। हाँ, साथ में यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं और मैच द फॉलोइंग भी दी गई होगी, ठीक है ना।
ये आपको करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखो ये है आपका आरसी क्वेश्चन, यहां से आता है आपका आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आरसी आपने पढ़ा है कभी? आरसी का पता है क्या होता है? आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जानते हैं इंग्लिश के अंदर, लिटरेचर के अंदर आप लोगों ने प्लस टू लेवल तक पढ़ा होगा, पैसेज में से क्वेश्चन छाटना। आप इसको ऐसे पढ़ते थे भाई, पैसेज में से क्वेश्चन छाटने हैं। तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं आरसी। तो वही आरसी की प्रैक्टिस आपको करनी है। इसमें से अगर मैं पहले यूनिट की बात करता हूँ तो आपको बेसिक जो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा आपका कि आप लोगों को पैसेज लिखने आने चाहिए हैं। ठीक है, क्या लिखने आने चाहिए हैं? पैसेज। और फिर ये आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं जो मैंने अभी पीछे आया है। तो एक तो आपको इन सेंटेंसेस को करना है पहली यूनिट से, और साथ में आपको पैसेज फॉर्मेशन आनी चाहिए कि पैसेज से क्वेश्चन कैसे छांटते हैं, ये चीज आपको पता हो तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके, पता लगा पहले क्या पढ़ना है? फर्स्ट यूनिट से क्लियर है, पहले यूनिट का पता लगा ना भाई क्या पढ़ना है। देखो मैं ग्रामर में अगर बात करूं तो आपको ये टर्मिनल क्वेश्चन जितने भी दिए हैं उन सभी को कर लेना है। कोई भी टर्मिनल क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए स्टडी मटेरियल का। स्टडी मटेरियल से जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो सारे के सारे आपको हाथ से सोल्व करने हैं एग्जाम तक। अभी एग्जाम थोड़ा दूर है इसीलिए मैं आपको बेसिक करवा रहा हूँ, ठीक है ना? ज़्यादा हम डिफाइन करेंगे तो फिर आपको ही मुश्किल हो जाएगी। मैं तो और भी ज़्यादा सेंस में या फिर और भी ज़्यादा टाइम लेकर के चैप्टर कवर कर सकता हूँ, लेकिन डिपेंड करेगा कि हमने एग्ज़ाम से पहले हमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, तो बेटर है कि हम उसको अच्छे से करें। पैसेज के लिए आप किसी भी बुक को रेफरेंस कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ओके, और कहीं से भी पैराग्राफ पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चनिंग करिए, ठीक है? उससे आपको पैसेज की फॉर्मेशन आ जाएगी, पैसेज लिखने आ जाएंगे, पैसेज के क्वेश्चन छाटने आएंगे। ओके भाई, और सेकेंड यूनिट में भी आपको सेंटेंस ही करनी है। सेंटेंस आपके एक्सटेंशन पर ही है कि कहाँ पर एक्सटेंशन हो रही है, कहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट की तरह सेंटेंस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट मीनिंग बताए गए हैं एक्सटेंडेड मीनिंग के, और उसको कंपेयर किया है, जैसे कि आपका वर्ड यूजेज है, कैसे हमने वर्ड को यूज़ किया और कैसे हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब को यूज़ किया है, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रेट मीनिंग आप करें उस पर बेस्ड आपका होता है ये वाला। क्लियर? हाउ टू बी राइट एंड हाउ टू बी कन्वे द मैसेज, दैट इज योर लैंग्वेज। लैंग्वेज बेसिकली आपका कन्वे करने का ही तरीका है। हाउ टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन पर बेस्ड होता है सारा का सारा। तो यहां पर इसमें आपको सबसे पहले देखिए क्या है, मल्टीपल मीनिंग्स हैं आपके यहाँ पर, सेंटेंस दिए गए हैं और इनको फिलअप्स करना है आपको। यही काम है, फिलअप्स करने हैं। और फिलअप आप करोगे कैसे? अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस। इंग्लिश के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस पर बेस सारा आपका पूरा का पूरा बेस है। इंग्लिश में जितनी भी एक्सरसाइजेस दी गई हैं, बैक एक्सरसाइज है, इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। जो ओवरऑल मुझे आपको सिखाना चाहिए था वो मैंने आपको बताया है ना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा शब्द कैसे प्रयोग होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव वर्ब, फ्रेजल वर्ब किस तरह से यूज होती हैं। ये सब आपको बेसिक पढ़ाया गया है आपके 12th लेवल तक, प्लस वन लेवल तक, ठीक है ना? देखो यहाँ पर क्वेश्चन है एक, मैं एक बता देता हूँ। गिव टू मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड से इन अ फ्यू वर्ड व्हाट इज कॉमन टू द बोथ एंड चेक योर आंसर विद गिवन
यूज एट द एंड ऑफ द यूनिट, इसके एंड में दिया गया है। जैसे आपको शब्द दिया है वायर, वायर शब्द है, इसके यूज करने का तरीका क्या है, कैसे हम इस शब्द को यूज कर सकते हैं, हाउ टू बी यूज देयर। वायर जो होता है, एक तो आपका सेंस क्या है, जो आप किसी भी व्यक्ति को गुस्से में बोलते हैं, आई वायर्ड यू, ठीक है। वायर्ड का मतलब एक वर्ब की तरह भी इसको आप यूज़ करेंगे, और सिमिलरली इसको हम नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द यूजेस। यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, हाउ टू बी यूज द वर्ड, कैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, शब्दों का प्रयोग करने का तरीका हमारा क्या है, वो चीज़ आप इस वाले यूनिट से सीखोगे। तो इसमें भी सेम आपको वही पैटर्न, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो मैं यही कहूँगा, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो आप इसके ओवरऑल जो ये बैक एक्सरसाइज दी गई है उनसे करिए, यहीं से आपके पेपर बनेंगे। ये देखो, ये पिलर्स आ गए हैं आपके। फिल इन द ब्लैंक द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। We will have to dash you on a charge of speeding. We have to, टू के बाद कभी भी आप, ये थोड़े से इंग्लिश के रूल हैं जो मैं बता देता हूँ, सेंटेंस में आपके काम आएंगे। कॉपी पेन अगर ले रखा हो तो एक बार लिख लो कुछ, मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के रूल तुम्हें बता दूँ। वी वन के बाद, सॉरी सॉरी ऐसे नहीं, हाँ जो आपका टू होता है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको थोड़े से रूल बताता हूँ इंग्लिश फॉर्मेशन के। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन है आपका कि जब भी आपको टू दिखाई देता है, टू की प्रपोजिशन दिखाई दे, तो उसके बाद अगर आपको फिलर दिया है तो हमेशा वहाँ पर वर्ब आएगी, कभी भी उसमें नाउन या एडजेक्टिव हम फिलअप नहीं करेंगे। टू के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब आएगी, या तो वो वी वन होता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वी वन प्लस आई एन जी होता है, वर्ब के साथ आई एन जी की फॉर्म, ठीक है। ये आपका रूल नंबर वन हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आगे हम बात करें तो अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस दिया है नाउन, नाउन के पहले अगर आपको कोई भी शब्द लिखना है तो वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। दूसरा, तीसरी बात इसमें क्या आती है, कभी भी आर्टिकल लिखें तो आर्टिकल के बाद हमेशा आने वाला शब्द नाउन होगा, कभी वो एडजेक्टिव या वर्ब नहीं हो सकता। ऑलवेज इट विल बी अ नाउन। आर्टिकल तो पता होंगे सभी को, आर्टिकल कितने हैं इंग्लिश के बताना, आर्टिकल्स पता है आपको, कौन कौन से आर्टिकल हैं जो पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल पता है, हैं? या ग्रामर की क्लास लूँ मैं पहले, भाई फटाफट से रिप्लाई करिए जल्दी, टाइम बहुत कम है मेरे पास, मुझे सिलेबस भी करवाना है, जल्दी बताओ आर्टिकल पता है तुम्हें, टाइप्स ऑफ आर्टिकल पता है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट। क्या आप लोगों को आर्टिकल पता है, आर्टिकल कितने होते हैं इंग्लिश में, कौन कौन सा आर्टिकल यूज होता है, हाउ टू बी फॉर्म ए सेंटेंस, पता है ये चीज़ें, जो फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है ना वो 10 नंबर के आएंगे, ये समझ लेना, मैक्सिमम 10 मार्क्स तक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, और फिल इन द ब्लैंक्स बगैर ग्रामर के नहीं होएगा, ग्रामर आपको आनी चाहिए है तभी फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन कर पाओगे, फिर आपको इन लॉजिक्स की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इतने अच्छे से ग्रामर करवा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रामर की स्पेशल क्लास लूँ तो बता दो मेरे को, अदरवाइज़ तो फिर तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंग्लिश के लिए। ग्रामर की क्लास अगर चाहिए है तो बता दीजिए, जिसमें मैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन, फिलअप्स कैसे करते हैं, ग्रामर के रूल्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पर हम सेंटेंस में कौन सा रूल अप्लाई करेंगे वो आपको बता पाऊँ।
अगर आप चाहते हैं तो ही क्लास होगी, बाकी जो तुम्हारी क्लास की स्ट्रेंथ है उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा कि किसी को इंग्लिश पढ़नी है। पता नहीं इंग्लिश से इतना डर क्यों लगता है तुम लोगों को, इंग्लिश से देख ही नहीं कि बस भाग जाते हैं क्लास से, इंग्लिश में तो आना ही नहीं है, और फिर पेपर में क्या लिखोगे। पेपर में कैसे करके आओगे जब तुम्हें यहाँ क्लास में आने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो पेपर में कैसे लिखोगे हैं? हाउ डू यू राइट, जो ये वर्ड दिए गए हैं ना वो ऐसे ही नहीं आएंगे, लर्न करने का काम है। यहाँ पर देखो फ्रेजल वर्ब दी गई है, ये आपको लर्न करनी है भाई। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नाउन के साथ हम जो एडिशनल वर्ब यूज करते हैं उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो ये कुछ वर्ब आपको दी हैं, उसको याद करेंगे आप लोग, लर्न करने का ही काम है। इसमें वर्ब फ्रेजल वर्ब ढूंढो तो कैसे ढूंढोगे? गिव सब कवर अप, ये आपकी फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। फैल फोर ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है, ये भी क्या करती है, सेंटेंस को लिखने का ही तरीका है। फिर जैसे ब्रिंग है, शो है, इससे आपको सेंटेंस बनाने हैं, ये ग्रामर का ही काम है सारा का सारा। ग्रामर जब तक नहीं आएगी आपको कुछ भी नहीं सीख पाओगे, फेल हो जाओगे इंग्लिश के अंदर पक्का। आप लोगों को देख करके ऐसा ही लग रहा है मुझे। थोड़ा सा मुझे आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना पड़ेगा कि पार्ट ऑफ स्पीच की क्या पहचान है, कैसे आप उसको यूज़ करते हैं, कौन सा वर्ड क्या नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, वर्ब कैसे पहचानते हैं, ये मुझे ही आपको करवाना है। तो आप मुझे बताओ कौन से दिन मैं ये क्लास लूँ है, और फिर आपको इन चारों यूनिट्स की ग्रामर, सॉरी ग्रामर बोल रहा हूँ, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थर्ड यूनिट में आपको होमोनियम क्या होता है उसके एग्जाम्पल्स आपको करनी है, होमोफोन क्या होता है उसके एग्जाम्पल करनी है, डिफरेंस क्या होता है होमोनियम्स का और होमोफोन्स का, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग के लिए कर लेना है। ये आपका शायद असाइनमेंट का क्वेश्चन भी था कि व्हाट इज द होमोफोन एंड डिफरेंस बिटवीन होमोनियम्स एंड होमोफोन्स, तो एक क्वेश्चन आपको ये भी करना है, ठीक है। बाकी जो बाकी चीज़ें हैं वो आपकी ग्रामर से ही कवर होंगी, और फिर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यही से, यही है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जो आपके स्टडी मटेरियल में है, इन्हीं से आपको करना है। और एक क्वेश्चन आपको ये कर लेना है, एम के गांधी और इंग्लिश जेंटलमैन एक आपका नोवेल है ये, इसका थोड़ा सा समरी पढ़ लेना कि इसके अंदर क्या है, और नेरलैड मैनली होपलिंग है जो, इनकी समरी है उसको पढ़ लेना है। दो क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेने हैं, और जो पहले 3 यूनिट हैं उनसे आपको बैक एक्सरसाइज करनी है जो ग्रामर बेस्ड है, उसके लिए आपको मेरे ग्रामर का लेक्चर देखना पड़ेगा और उसके बाद आपको ग्रामर समझ आएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों की क्लास जो होगी उसमें मैं ग्रामर करवाऊंगा, ग्रामर की मैं क्लास लूंगा जिसमें मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दूंगा कि कैसे आप फिलअप्स करोगे, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसको करने का तरीका क्या है। ग्रामर के बहुत सारे रूल नहीं हैं, हार्ड रूल जो बेसिक जो होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और थोड़ा सा काम आप वोकैबलरी पर करो। वोकैब आपको पता होनी चाहिए, ये वर्ड आपका कैसा है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये चीज़ें आपको जब तक नहीं पता होंगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं है क्लास का। तो इसलिए हमारी जो अब अगली क्लास होगी वो उसमें क्या करवाऊंगा मैं आप लोगों को, थोड़ा सा ग्रामर करवाऊंगा, ठीक है। और ग्रामर करने के बाद आप लोगों को जिम्मेवारी है कि इन चारों यूनिट की आप लोग तैयारी कर लेंगे। तो मेरी तरफ से ये आपका कंप्लीट होता है ब्लॉक नंबर 1। ब्लॉक नंबर 1 में पहली जो 3 यूनिट है इनकी बैक एक्सरसाइज आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, लास्ट में आंसर भी दिए गए हैं, और जो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन लॉन्ग वाले बताए हैं वो आपने कर लेने हैं, ठीक है। इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, इसको आप कवर कर लेना। और फिर हमारी जो ग्रामर की क्लास है मेरे वाली, उसको आपने अटेंड जरूर करना है, आज या कल में वो क्लास आपकी जरूर लग जाएगी। तो सबको उस क्लास में अटेंड करना है, वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा ग्रामर मैं उस क्लास में कवर कर दूंगा।
एक या 1.5 घंटा मेरा जितना टाइम लगेगा वो मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, बस आप लोगों को कवर होना चाहिए, समझ आ जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज की क्लास को इतना ही रखूंगा मैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, और कमेंट सेक्शन में बता देना क्लास कैसी लगी और कैसी आपको अप्रोच लगी मेरी इंग्लिश करवाने की। धन्यवाद है आप सभी, थैंक यू सो मच एवरीवन।